एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बरेली के ब्लॉक बहेड़ी में स्थित सिली जागीर गांव पड़ा। लगभग 4000 की आबादी वाला यह गांव जनपद मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक परिसर से इस गांव की दूरी मात्र 20 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान गुरविंदर कौर हैं, जो गांव को विकास के पथ पर अग्रसित कर रही हैं। लगभग 2400 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। वर्तमान समय में गांव में 492 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 186 बच्चे अध्ययनरत हैं। इसी के साथ ही गांव में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 280 विद्युत पोल, 12 विद्युत ट्रांसफार्मर, 63 स्ट्रीट लाइटें भी गांव में लगवाई गई हैं तथा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 60 हैंडपंप लगवाए गए हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में 11 खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 242 शौचालयों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर, आंगनवाड़ी केंद्र, पशु चिकित्सालय, शमशान घाट, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय व सीसी टाइल्स रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान पति जसवंत सिंह, ग्राम पंचायत सिली जागीर, ब्लॉक बहेड़ी, जिला बरेली। हमारी ग्राम पंचायत में पिछले 2 सालों से हमने जो कार्य करे हैं, भरपूर कार्य, खड़ंजे, नाली, बाउंड्री वाल, स्कूल की, शौचालय 200 बना दिए हैं, जो 50 और है। इसके बाद हम बहुत जल्दी 2 महीने के अंदर अंदर अपनी ग्राम पंचायत ODF घोषित करवा देंगे। और दूसरी, हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या है कि जितने भी नल सरकारी लगे हुए हैं उन नलों का पानी शुद्ध पीने लायक नहीं है, गंदा पानी है, वो जिसमें काली पीलिए की बहुत बीमारी अधिक से अधिक यहाँ लोगों को फैल रही है। और हम सरकार से चाहते हैं कि हमारे यहाँ टैंकी बड़ी वाली लगाई जाए, और जिसको सरकार को भी इम्कान हो कि घर घर कनेक्शन दिए जाए और पानी की सप्लाई होगी बढ़िया, गरीब जनता है RO लगवा नहीं सकती, यही हम चाहते हैं। और गाँव में RCC रोड, हमारे मजरे ग्राम पंचायत के 10 मजरे हैं, दूर दूर तक है। किसी किसी मजरे में हमारे RCC पड़ गए हैं विधायक द्वारा। अब हम प्रधानी के उससे जो हमारा बजट आता है तो हम RCC भी डालेंगे, यही हम चाहते हैं। और गांव में हमारे यहाँ आवास पिछले 10 सालों में से 20-25 आवास बने हैं, जो हमारे यहाँ गरीब जनता है उन्हें आवासों की बहुत ज़रूरत है। इसकी जाए गवर्नमेंट सर्वे करवा ले, उसके यहाँ से जो पात्र आता है उसके आवास दिए जाए, कि यहाँ बहुत गरीबी हालात है यहाँ की जनता के, यही मैं कहना चाहता हूँ। मेरा नाम परितोष कुमार है, मैं सिली जागीर बंगाली कॉलोनी से बिलोंग करता हूँ और यहाँ का निवासी हूँ। और जैसे कि मैं इस विद्यालय में टीचर भी हूँ प्राइमरी सिली जागीर में, और यहाँ पे सुविधा, स्कूल की सुविधा के लिए एवं गांव की सुविधा के लिए मैं यहाँ के स्कूल की जो शिक्षा स्तर है इसको और आगे बढ़ाना चाहता हूँ ग्राम के सहयोग से। उसके लिए कुछ यहाँ पे कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे बच्चों के बैठने के लिए बेंच टेबल की सुविधा नहीं है, टैंकी की सुविधा नहीं है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के लिए मैं सरकार से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार इसको देखे और इसको जांच के उपरांत इसकी सुविधा उपलब्ध कराए। नाम भवेश हल्दर, मैं सिली कॉलोनी ग्राम सभा सिली जागीर ग्राम पंचायत मजरा सिली कॉलोनी। हमारे इस गांव में एक मांग है, पहली बात तो CC रोड, दूसरा एक बारात घर, तीसरी पानी का टंकी। पानी बहुत गंदा है, पानी की बहुत बड़ी समस्या, और हम लोग यहाँ पे रहते हैं जो पानी पीने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए अगर एक पानी की टंकी लग जाए तो हम लोग को बहुत सहूलियत हो जाएगी। गंदा पानी पीने से काला पीले और वैसे पीले और बहुत सारी बीमारी पैदा हो रहे हैं, इसलिए सरकार से गुजारिश है कि ये सारे काम हो जाए, पानी की टंकी, बारात घर, CC रोड। हम लोग यहाँ पे उत्तर प्रदेश जिला बरेली तहसील बहेड़ी में सिली कॉलोनी गाँव है, बंगाली कॉलोनी है। इस बंगाली, हमारे जो बंगाली लोग हैं, इसका अभी तक कोई जाति का कोई वो हुआ नहीं कि हम लोग कौन सी जाति के हैं। सरकार से गुजारिश है कि हमारा कोई जाति दे, हम लोग कौन सी जाति में आते हैं, और इंदिरा आवास एवं प्रधानमंत्री आवास, गांव के सभी सबके घर कच्चे हैं, मिट्टी के दीवार बने हुए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री आवास दिया जाए ताकि हम लोग गांव में थोड़ा उसमें रह सकें।